कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक बार फिर से प्रज्वल रमन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। हासन सीट से सांसद प्रज्वल रमन्ना कथित सेक्स स्कैंडल का आरोपी है। मामला सामने आने के बाद से प्रज्वल फरार है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार की ओर से अनुरोध मिलने पर विदेश मंत्रालय प्रज्वल का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और यह भी कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि मामला सामने आने के तुरंत बाद और पहली बार एफआईआर दर्ज होने से कुछ घंटे पहले प्रज्वल रमन्ना 27 अप्रैल को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश छोड़कर भाग गया। उन्होंने लिखा कि प्रज्वल ने देश से भागने आपराधिक कार्रवाई से बचने के लिए अपने डिप्लोमेटिक प्रिविलेज पासपोर्ट का दुरुपयोग किया। इससे पहले कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने आरोप लगाया था कि अदालत से अरेस्ट वारंट जारी होने के बावजूद केंद्र सरकार प्रज्वल रमन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल नहीं कर रही है। जिसके पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उसे कई सारे प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार मिलते हैं। ऐसे लोगों को विदेश में न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को किसी भी देश की यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द होने के बाद प्रज्वल रमन्ना का जर्मनी से बाहर जाना भी मुश्किल हो सकता है। माना जा रहा है कि 27 अप्रैल को प्रज्वल बेंगलुरु से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर फ्रैंकफर्ट यानी कि जर्मनी चला गया। इसके लिए उसने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया और जर्मनी उसके लिए सबसे सेफ जगह इसलिए थी क्योंकि यहां जाने के लिए उसे वीजा की जरूरत भी नहीं थी। दरअसल जर्मनी उन 34 देशों में शामिल है जहां डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता। हालांकि वो बगैर वीजा के 90 दिन तक ही वहां रह सकता है, लेकिन इसे भारत और जर्मनी के बीच 2011 में ये समझौता हुआ था। आम पासपोर्ट जो आपके और हमारे पास होता है 10 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वैलिडिटी यानी वैधता 5 साल या उससे कम होती है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कथई रंग के कवर में आता है। ये पासपोर्ट भारत में नेताओं और अधिकारियों को मिलता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सांसदों के अलावा उनके जीवन साथी भी इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें भी मिलता है। सांसदों को देश से बाहर जाने से 3 हफ्ते पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना होता है। 2 मई को विदेश मंत्रालय ने बताया था कि जर्मनी जाने से पहले प्रज्वल रमन्ना ने पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मांगा था, तो फिर भाग कैसे गया? किसी व्यक्ति का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तभी कैंसिल किया जा सकता है जब किसी अदालत से इसका आदेश जारी हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने यह भी बताया कि सरकार आरोपी का पासपोर्ट तभी निरस्त कर सकती है जब कोर्ट का आदेश हमें मिले। पासपोर्ट एक्ट 1967 में इसकी बात कही गई है। फिलहाल किसी भी अदालत ने प्रज्वल रमन्ना का पासपोर्ट रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया है और इसीलिए पासपोर्ट रद्द नहीं किया जा सकता।